हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तोम व्लॉग्स अगेन। और आप थंबनेल और टाइटल से पहचान गए होंगे कि हमारी गाड़ी में आज क्या काम हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं, जो हमारे साइड मिरर है बेसिकली BMW M सीरीज आती है, उसके जो साइड मिरर्स है उसको थोड़ा रिजेंबल करके डिज़ाइन बनाया गया है। और अगर मेरे किसी भी बाइक को किसी भी गाड़ी में बनवाना हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा दोनों आईडीज़ का, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईजिली। ठीक है, और कोई भी एक्सेसरीज आपको चाहिए हो कार से रिलेटेड तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, इस प्रोसेस को लगते हैं हमारे पूरे 5 से 7 दिन। 5 से 7 दिन कैसे लगते हैं मैं बता देता हूँ कि जो हमारे फाइबर का जो काम होता है उसको लगते हैं हमारे 4-5 दिन, और जो हाइड्रो डिपिंग होगी उसको लगेंगे 2 दिन। ठीक है, तो आप कौन से स्टेट से हो, कहाँ पर रहते हो, एक थोड़ा वो भी मैटर करता है। तो मैं आपको एक क्लोज व्यू में दिखा देता हूँ कि हमने कैसे करवाया है। और सेकेंड थिंग कि इसमें हमारी कोई भी वायरिंग मोटर का कोई डैमेज नहीं हुआ है। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक बार पास में आके मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे रहने वाला है। तो गाइज, मैं आपको एक बार पास से दिखा देता हूँ कैसे रहने वाला है। ये देखो, अपने साइड मिरर जो स्टॉक थे वो आप पहचान लेंगे, कुछ मेरे भाई पूरे ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, और साइड से दिखाऊँ तो पूरा BMW M5 के जो उनके पूरी सीरीज आती है उस टाइप में थोड़ा रिजेंबल करते हुए हैं। एक बार देखो, ये कार्बन फिनिश में मैंने करवाया है इसको, और जो नीचे है वो पूरा ग्लॉस ब्लैक है। ये थोड़ी अभी बारिश हो रही तो आप सबको पता है गंदी हो गई गाड़ी, और इसका भी थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये थोड़ा क्लीन होना बाकी है। ये अभी आपको वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन में ट्रिप लगने वाली लद्दाख की। आप गाइस बताना कि उसको मैं व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो ट्रिप लगने वाली लद्दाख की, तो आप बताना कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। एक बार इसका मिरर का भी देख लीजिए आप, और अभी अंदर से दिखा दूंगा कि पूरा वर्किंग फंक्शनल है अपना मिरर। अभी क्या, हाइड्रो डिपिंग के बाद इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जो इसकी मोटर होती है थोड़ी स्लो चलती है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, मतलब इसकी ऑयलिंग करनी पड़ेगी और फिर ये चल जाएगा, फिर ये वर्किंग करना अच्छे से लग जाएगा। एक बार आप देख लो कि कैसी लुक आ रही है। एक बार मैं आपको थोड़ा ऐसे करके दिखा देता हूँ पास से, एक अपर व्यू, और एक बार साइड से देखो तो ये पूरे ऐसे लगते हैं। एक बार आप आगे से देखो तो कार की जो एक लुक है वो इनहेंस हो ही गई है, जो अपने भाई पूरे देखना चाहते हैं। तो इसके सिनेमेटिक इन्जॉय कीजिए आप आगे पूरी वीडियो में, मैं दिखाता हूँ। तो गाइज, एक फाइनल मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि क्लोजर व्यू में ये कैसा रहने वाला है। एक बार अपने मिरर्स देख लो, और इसका जो एक शार्पनेस आ रही है वो भी एक एकदम एक्यूरेट है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, जो ये मिरर है ना, इस मिरर में मैंने पियानो ब्लैक फिनिशिंग करवाई है, वो इस पार्ट में रहने वाली है, और अपने ये पूरे ये पार्ट में, और ये इस साइड वाले पार्ट, मतलब फेसिंग साइड में, और जो बैक साइड अपना है, या इसको फ्रंट बोलो बैक साइड, उसको बैक साइड बोलो, तो इस साइड हमने करवाई कार्बन फाइबर। अपने पेडल लैंप्स जो आपने वीडियो देखी होगी, ये भी पूरे अच्छे से वर्क कर रहे हैं, इंडिकेटर्स भी वर्क कर रहे हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि साइड मेरे कैसे लग रहे हैं, और शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ, कार एंथुजियास्ट अपने दोस्तों के साथ कीजिए। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं एक बार आपको अंदर से लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि पूरे इसके कैसे मोटर वर्क्स कर रही हैं, मोटर मतलब वर्क कर रही है इसकी पूरी, और फिर मैं आपको इसे कुछ सिनेमैटिक दिखाता हूँ। तो गाइस, एक बार मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ कि अंदर कैसे वर्क कर रहा है इसकी, मतलब साइड मिरर्स की मोटर। ये देखिए आप, और एक बार इस साइड का देख लेते हैं, और एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको इसके फोल्डिंग मिरर्स। तो गाइज, ये अपनी कुछ वीडियो थी। ठीक है, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए
कि ये आपको साइड मिरर्स कैसे लगे, और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए जितना हो सके, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइज आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी, और ये लास्ट क्लिप मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि भैया को भी दिखाना जरूरी था, क्योंकि जिन्होंने काम किया हमारी गाड़ी में, और आगे और भी प्रोसेस है जो काम होगा अभी, साइड कटिंग, जैसे आपने पूरा लद्दाख की ट्रिप का वीडियो देखा होगा तो उसमें साइड कटिंग थोड़ी थोड़ी टूट गई थी, तो वो रिपेयर करवाने आया हूँ। भैया ने अभी वो पूरा A1 कर दिया काम, और जो अपना भैया का जो काम है वो सिर्फ साइड मिरर का था। अगर और कुछ क्वेरीज चाहिए तो भैया से आप मिल सकते हैं, नंबर वंबर दे दूंगा, और भैया वैसे भी एक फेमस पर्सनैलिटी बन गए तो यूट्यूब पर भैया को सब जानते ही हैं, ठीक है। फाइबर से रिलेटेड जितना भी काम हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बॉडी का जितना भी काम होता है, और इंटीरियर का आपका बॉडी क्या बोलते हैं उसको, पॉड्स वगैरह, और अपना ये हो गया साउंड से रिलेटेड हो गया, बम्पर हो गए, साइड स्कर्ट्स हो गए, कुछ भी A to Z कुछ भी गाड़ी का काम हो तो नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मिलके भैया से आप सारे अपने क्वारीज का वो कर सकते हो। और मेरे को तो DM आए थे बहुत सारे कि भैया आपने साइड मेरा कहाँ से मंगवाए, ये भाई पहली बात ये फाइबर का है, ABS का नहीं है, जो मेरे भाई इसको मतलब पूरा जानना चाहते हैं। ये बनने में टाइम लगता है, हर और एक अलग अलग गाड़ी का अलग अलग टाइम और अलग अलग डेट के हिसाब से भैया से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। भैया एक बार अपना नंबर और नाम सब बता दो। नंबर है 9582804200, और बाकी इंस्टाग्राम की आईडी है, मैसेज भी दे सकते हो उस पर, आपका कॉन्टैक्ट वगैरह भी कर सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह वो सर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और एक बार भैया आप ये बताओ, जो साइड मेरा कोई बंदा बनवाने आता है तो उसमें कितना टाइम लग सकता है, अप्रोक्सीमेट कितना? देखो जैसे कि हमने अभी बलिनों के बनाए हैं, उसके लिए तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास डाई बन गई है, हमने एक पीस बना चुके हैं उसका। उसके बाद बाकी किसी भी और गाड़ी का बनाते हैं उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मान के चलिए आपका 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बाकी वो डिजाइन जो बंदा चाहे, जरूरी नहीं है ऐसे ही कुछ और नया डिजाइन लाना चाहे, उसमें वो डिजाइन भी करा सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये फर्स्ट, ये दिल्ली और कहीं भैया काम तो हुआ नहीं होगा साइड मिरर का, आई गेस। देखो जहाँ तक हमारी नॉलेज में अभी तो फिलहाल बलिनों का तो नहीं हुआ, बट बहुत से काम ऐसे होते भी हैं, बट जो हम ज्यादातर करते हैं हम उसके हिसाब से करते हैं, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से करते हैं कि क्या चीज उसको चाहिए, जो भी चीज चाहिए होती है वो चीज हम उसको बना के दे देंगे जैसे कस्टमर को चाहिए। ठीक ठीक। तो अभी तो भाई एक छोटी सी वीडियो है, इसके आगे तो बहुत काम आना है, भैया से अभी सब डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन बहुत काम है अभी तो गाड़ी में है, आने वाले कुछ महीनों में आपको पता चल जाएगा, और ऐसी ऐसी चीज होगी जो शायद ही नहीं होगी, ठीक है। हाँ, हमारे पास आप अपनी डिमांड, उसके अपनी डिमांड के हिसाब से काम करा सकते हैं कि आपने क्या काम कराना है, फिर हमें फोटो दे दीजिए और फोटो भेज दो और टाइम दे दो और सब भैया पे छोड़ दो, वो अपने आप ही इनके हाथों में इतनी एक बोलो नेचुरल पावर है, भगवान गॉड गिफ्टेड है कि इनके जैसे कोई काम नहीं है, ये क्लेम्ड है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और इस एंड तक देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको साइड मिरर कैसे लगे, और ट्रिप में तो आपने साइड कटिंग देख ली होंगी, तो एक बार पेंट हो जाए उसके बाद मैं पूरा दिखा दूंगा, एक छोटी सी क्लिप में ऐड कर दूंगा जो भी रिपेयर का हो रहा है उसका, ठीक है। टिल देन बाय।